आइए आपको बड़ी खबरों की ओर ले चलते हैं। प्रयागराज विकास खंड चाका के ग्राम सभा महेवा में गांव हुआ जलमग्न। स्वच्छ भारत मिशन के तहत आज भी माननीय पीएम मोदी जी की योजनाओं पर फेरा जा रहा है पानी, तो वहीं पर ग्राम प्रधान कल्याण भारती लोगों को दिखा रहे हैं ठेंगा। समय की विसंगतियां कुछ इस तरह है कि लोगों में फूट रहा है गुस्सा। महेवा पश्चिमी पट्टी जहां पर बच्चों का स्कूल भी बना हुआ है, छोटे छोटे बच्चों का भी उसी रास्ते से आना जाना है। ग्राम प्रधान कल्याण भारतीय देखकर भी कर रहे हैं नजरअंदाज। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज के लिए प्रयागराज से रोहित प्रजापति की खास रिपोर्ट। पूरा मामला क्या है आइए दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। और क्या समस्या है यहाँ? सबसे बड़ी समस्या ये महेवा पश्चिम पट्टी का एरिया है, बगल में मड़ौका रोड है, लगन विहार गेस्ट हाउस है, इसके जस्ट दूसरी गली है और इसके बगल वाली सारी गलियाँ बन गई, लेकिन इधर की समस्या आज तक कोई हल नहीं हुआ। ना कोई प्रधान की सुनाई करता है, ना कोई सुनाई करता है। अब आप लोग खुद ही देख लीजिए कि बच्चों के आने जाने का या पैदल चलने की भी समस्या इतनी ज़्यादा यहाँ पर है कि जिसकी कोई वो नहीं। तो ये जो यहाँ पे पानी भरा हुआ है इसके विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? अब इसके विषय में नहीं कहना चाहते हैं, नाली बने, नाली बने, रोड बने, सब सही हो तब तो सही होगा। नाली वाली नहीं बनी है? नाली बनी थी, ये जब सड़क बनी थी कभी तब नाली बनी थी, उसके बाद तो आज तक कभी बना नहीं। अब पानी का निकास क्यों नहीं हुआ? पानी का निकास तो जब निकास का रास्ता बनेगा। बेटा में तो ये रास्ता कैसा है? बहुत पानी भरा रहता है। अच्छा, तो इसी रास्ते से आते जाते हो आप लोग? हाँ। तो किसी से शिकायत की आप लोगों ने? नहीं। यहाँ पे भैया नाली नहीं है, सड़क नहीं है, कच्ची सड़क है, पूरा नाली भर जाता है तो बच्चे स्कूल नहीं जा पाते। नहीं, पानी का निकासी तो होगा कहीं से? कहीं नहीं है, यही सड़क पे ही। तो यहाँ जितना भी पानी बहता होगा कहाँ जाता है? सब घर के अंदर सूखता रहता है। हम लोग का डेंगू हो गया, उसको एडमिट किए, उसका हालत यही मच्छर काटने की वजह से पूरा एकदम। यहाँ का रास्ता कब से गड़बड़ है? अरे हो गया कम से कम, हमको यहाँ पे आए 8 साल हो गया करीब, उस समय खेत।